Hello everyone, this is Sophia. Welcome back to the Sophia's Biology. In this video we will see the social organization of primates. तो क्या होते हैं primates में 7 type के social organization देखने को मिलते हैं. So let's see what are the types of this social organization of the primates. Okay, तो पहला हम देख लेते हैं solitary primate system. इसे क्या कहा जाता है, इसे neighborhood system भी कहा जाता है. Solitary primate system में क्या होता है कि एक एडल्ट मेल होता है जिसकी टेरिटोरी क्या होती है, ओवरलैप कर जाती है वन या मोर देन वन फीमेल की, एडल्ट फीमेल की टेरिटोरी से. ओके, इसमें एक मेल होता है एडल्ट मेल जिसकी टेरिटोरी क्या होती है, ओवरलैप कर जाती है वन या मोर देन वन फीमेल की टेरिटोरी से. इसमें जो चिल्ड्रंस होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो मदर के साथ रहते हैं, बट जैसे ही वो सेक्सुअली मैच्योर होता है वो अपनी मदर को छोड़ देता है. और जो मेल होते हैं वो मेटिंग के टाइम पर ही फीमेल के पास जाते हैं. ओके, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं यानी कि मेल एंड फीमेल, वो क्या करते हैं अपना जो फॉरेजिंग है वो अकेले करते हैं. उन सॉलिटरी इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, टिपिकली फॉरेज अलोन उनमें देखा जाता है. ओके, एंड ये जो सॉलिटरी प्राइमेट में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन करने के लिए वो क्या वोकल या ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स यूज करते हैं. ओके, सो इनके एग्जाम्पल्स है लॉरिस, सम स्पीसीज ऑफ ल्यूमर, सम टार्सर्स, ऑर्गेनग्यूटर्न्स एंड गैलागोस. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मोनोगैमी और अ पेयर लिविंग प्राइमेट्स. ओके, इसमें पेयर लिविंग प्राइमेट्स से तो क्या हो जाएंगे, इसमें जो प्राइमेट्स होंगे पेयर बनाकर होंगे. तो ये क्या एक स्मॉल सोशल यूनिट है जो कि क्या कंसिस्ट करता है, वन अडल्ट मेल एंड वन अडल्ट फीमेल एंड देयर इमेच्योर ऑफस्प्रिंग. क्या होता है इसमें, एक अडल्ट मेल एंड अडल्ट फीमेल और उसके इमेच्योर ऑफस्प्रिंग्स होते हैं. और ये जो पेयर बनाते हैं वो एटलीस्ट या तो वो वन ईयर के लिए बनाते हैं या वन एक सीजनल साइकिल के लिए, जो ब्रीडिंग सीजन होता है उसके लिए अपना पेयरिंग करते हैं, या तो लाइफ टाइम पे भी उनके अंदर ये पेयर जो देखा जाता है कि वो पेयर बना के लाइफ टाइम के लिए भी रहते हैं. और जो इसमें पेरेंटल केयर होता है वो बोथ पेरेंट्स के थ्रू देखा जाता है, यानी कि मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट दोनों ही पेरेंटल केयर में इन्वॉल्व होते हैं. इसके एग्जांपल्स है टीटी मंकीज, ऑल मंकीज, सम स्पीसीज ऑफ मैरोमोसेट्स एंड टैमरिन्स, मैनी स्पीसीज ऑफ सियामंग्स एंड गिबॉन्स. नेक्स्ट है पॉली एंड्री. एंड्री क्या रेफर कर रहा है, मेल को, यानी कि बहुत से मेल होंगे इसमें. तो इसमें क्या होता है कि पॉलीएंड्री में वन फीमेल एंड मैनी मेल्स होता है पॉलीएंड्री में. तो ये क्या कंपोस्ट करता है, वन रिप्रोडक्टिव एडल्ट फीमेल एंड टू और मोर एडल्ट मेल पार्टनर इन द ग्रुप. इसमें क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव एडल्ट फीमेल होती हैं और क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं एडल्ट पार्टनर्स यानी मेल होते हैं. ओके, इनमें क्या होता है, एलो पेरेंटिंग देखा जाता है. जो भी ब्रीडिंग फीमेल यानी जो भी मेन ब्रीडिंग फीमेल होती है उनके थ्रू जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो नॉन ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स होते हैं उन ऑफस्प्रिंग का केयर करते हैं, इसे ही एलो पेरेंटिंग कहा जाता है. ओके, एग्जांपल्स है मैनी स्पीसीज ऑफ टैमरिन एंड अ मैरोमोसेट. नेक्स्ट है पॉलीगाइनी. गाइनी किसे रिफर कर रहा है, फीमेल को, यानी बहुत सी फीमेल होंगी इसमें. और जो पॉलीगाइनी गाइनी है आर यूजली कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल रेसिडेंट मेल. इसमें जो मेल होता है उसे रेसिडेंट मेल कहा जाता है, जो कि क्या करता है, डिफेंड करता है फीमेल्स को किसके अगेंस्ट, जो आउटसाइडर मेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये जो रेसिडेंट मेल है उसे प्रोटेक्ट करता है. रेसिडेंट मेल को सफर करना पड़ता है बहुत से चैलेंजेस को, जैसे कि एक्स्ट्रा ग्रुप्स मेल हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो टेक ओवर करना चाहते हैं, वो मेट करना चाहते हैं इन फीमेल से, रिप्रोडक्टिव फीमेल से. तो ये सब इन जो रेसिडेंट मेल है उसे सफर करना होता है. और ये जो अदर मेल, जो आउटसाइडर मेल्स होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, टेक ओवर के टाइम वो क्या करते हैं, इनमें इनके थ्रू इन्फेक्टिसाइड्स हो जाता है, यानी कि जो आउटसाइडर मेल्स होते हैं वो इन बच्चों को क्या करते हैं, मार देते हैं, जिस वजह से वो क्या कर सके, जो फीमेल है उनकी मदर है उनसे मेट कर सके. ओके, इसमें क्या इन्फेक्टिसाइड्स भी देखा गया है. इसके एग्जाम्पल है सम स्पीसीज ऑफ गोरिलास, नोमेरस कोलोबाइन एंड ग्यूगॉन स्पीसीज. ओके, पटास मंकी, हॉलर मंकी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीगाइनी.
नेक्स्ट इज अ मल्टी मेल मल्टी फीमेल सोशल सिस्टम. ओके, इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है मल्टी मेल मल्टी फीमेल सोशल सिस्टम में, कि जो मल्टी मेल और जो मल्टी फीमेल होती हैं वो क्या करते हैं, एसोसिएट करके एक लार्ज ग्रुप्स बनाते हैं. ओके, क्योंकि इसमें जो जो इंडिविजुअल्स है वो मल्टीपल पार्टनर के साथ मीट कर सकते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, पैटर्निटी हिडन होता है और जो ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल रेट जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं. ओके, तो क्या होते हैं इसमें मल्टी मेल्स होते हैं एंड मल्टी फीमेल्स होती हैं. ओके, इसके एग्जांपल्स क्या है, मैनी स्पीसीज ऑफ मैकॉस बबून्स वर्वेट मंकीज कैप्यूचिन्स स्क्वायरल मंकीज एंड वूली मंकीज एंड सम कोलोबाइन स्पीसीज. नेक्स्ट इज फिजन फ्यूजन सोसाइटी. फिजन फ्यूजन सोसाइटी में क्या है, हाई डिग्री ऑफ फ्लूडिटी देखा जाता है. इसमें क्या होता है कि फॉरेजिंग के लिए क्या होते हैं, जो इन मेंबर्स होते हैं ग्रुप्स के, इन ग्रुप्स के वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप्स में क्या होते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं और फॉरेजिंग के लिए चले जाते हैं. बट क्या होता है उनमें जो फ्यूजन कब देखा जाता है, जब वो क्या होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं स्लीपिंग के टाइम, मतलब वो एक साथ सोते हैं, वो क्या हो जाते हैं उस टाइम फ्यूज कर जाते हैं. इसलिए क्या होता है इसमें फ्यूजन कब देखा जाता है, जब वो साथ में सोते हैं, और फ्यूजन कब देखा जाता है, जब वो फॉरेजिंग के लिए जाते हैं. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लेस कोहेसिव, किससे, मल्टी मेल मल्टी फीमेल ग्रुप से. ओके, विथ पैटर्न्स ऑफन रिफ्लेक्टिंग द लोकल अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ओके, इसके एग्जाम्पल्स है ह्यूमन चिंपैंजीज बोनोबस स्पाइडर मंकीज. ओके, द नेक्स्ट वन इज मल्टी लेवल सोसाइटी. इसे हेरार्चियल और मॉड्यूलर सोसाइटी भी कहा जाता है, जो कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. ओके, और ये जो मल्टी लेवल सोसाइटी है ये किन से बना होता है, ये दो टू एंड फोर लेवल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर से बना होता है. ओके, तो हम उन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं. फर्स्ट होता है वन मेल यूनिट OMU, और इसे हैरम भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि एक लीडर मेल और सेवरल फीमेल्स एंड अ फ्लोर मेल भी होता है. ओके, द नेक्स्ट इज क्लैन. क्लैन क्या होता है, जो नेस्टेड होता है किनके बीच, वन मेल यूनिट और बैंड के बीच वो क्या होता है, नेस्टेड होता है. और क्लैन क्या कंसिस्ट करता है, क्लैन कंसिस्ट करता है वन मेल यूनिट, इट्स मीन्स लीडर मेल सेवरल फीमेल्स एंड फ्लोर मेल, और क्या कंसिस्ट करता है इनके साथ, वो क्लैन ऑफ ऑल मेल यूनिट ऑफ बैचलर मेल. ओके, तो ये क्लैन क्या कंसिस्ट करता है, OMU कंसिस्ट करता है और जितने भी बैचलर मेल यूनिट्स हैं उनको कंसिस्ट करता है. द थर्ड द नेक्स्ट इज बैंड. बैंड क्या है, बैंड एक जो OMU है वन मेल यूनिट का एक ग्रुप है, जो कि क्या करते हैं रूटीनली जो एक साथ खाते और सोते हैं. ओके, द नेक्स्ट एंड लास्ट इज ट्रूप. ट्रूप क्या है, बैंड का एक टेम्प्रोरी और एग्रीगेशन है, परमानेंट नहीं, वो कैसा है, टेम्प्रोरी एग्रीगेशन है, जो कि क्या होता है एनवायरमेंट के रिस्ट्रिक्शन के कारण वो क्या करते हैं, एक साथ खाते और सोते हैं, एक ही जगह पे खाते और सोते हैं. ओके, सो ये था सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमेट्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ शेयर भी करें. थैंक यू.